अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द फूड आर्टिस्ट। मेरा नाम है माजिद खालिद और आज हम बनाने जा रहे हैं बीट रूट मुतब्बल। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 1 किलो बीट रूट लिए हैं, चुकंदर। इनको बॉईल कर लेंगे, पूरे पूरे चुकंदर इस तरह से डाल लेंगे। इनको हमने स्किनलेस नहीं किया, अगर हम पहले स्किनलेस कर लेंगे तो इनका सारा कलर निकल जाएगा। कांटे की मदद से चेक करेंगे, बीट रूट हमारा अंदर तक पक चुका है। अब हम इनको उतार के थोड़ा ठंडा कर लेंगे। फ्रेंड्स, चुकंदर यहाँ पे ठंडे हो चुके हैं, अब हम इनकी इस तरह से स्किन उतार लेते हैं। और स्किन उतारने के बाद हम इनको इस तरह से रफ कटिंग में काट लेंगे। तो फ्रेंड्स, सारे बीट रूट यहाँ पे हमने काट लिए हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होगी ताइना सॉस। ताइना सॉस की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यहाँ पे तकरीबन 1 टीस्पून हमने नमक ले लिया है। अब हम बीट रूट को डाल देते हैं जूसर वाले जग में। और इसमें ऐड कर देंगे ताइना सॉस। और लास्ट में ये नमक भी डाल देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। बीटरूट हमारे अच्छे से ब्लेंड हो चुके हैं। अब हम इनको इस बोल में निकाल देंगे। और निकालने के बाद हम इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रखने से ये थोड़ी जान पकड़ लेगा, फिर हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। 1 घंटे के बाद हमने बीटरूट मुतब्बल को निकाल लिया है। अब ये बिल्कुल रेडी है, अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। तरह से फ्रेंड्स, आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी रेसिपी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल को इस तरह की मज़ेदार डिलीशियस वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।